और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, इरफान खान, मशहूर एक्टर इरफान खान नहीं रहे, जिंदगी की जंग हार गए। डायरेक्टर सुजीत सरकार का ये ट्वीट, कैंसर से पीड़ित थे मशहूर एक्टर इरफान खान। आपको हिंदी मीडियम पिक्चर उनकी याद होगी, अंग्रेजी मीडियम पिक्चर उनकी आपको याद होगी। अपनी बेहतरीन कलाकारी अदाकारी के लिए वो जाने जाते थे। और दुखद खबर, मशहूर एक्टर इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। इस समय उनकी जो सबसे, जो कहा जाए कि ताजी फिल्म, कहा लेटेस्ट जो फिल्म थी, वो इंग्लिश मीडियम उनकी फिल्म आई है जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। बहुत सराही गई उनकी एक्टिंग को हमेशा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिबांग जुड़ रहे हैं। दिबांग, इरफान खान का इतनी जल्दी चले जाना बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान, देश का बहुत बड़ा नुकसान। क्या ये खबर यह है कि आज उनका दोपहर से पहले करीब 11 बजे उनका कोकिलाबेन अस्पताल में देहांत हुआ। वो कैंसर से काफी लंबे समय से पीड़ित रहे और लगातार उस पे वो इलाज भी करवाते रहे, बाहर भी गए, लेकिन तमाम लड़ाई के बावजूद वो आज उनका देहांत हो गया। बहुत बड़ा नाम है, देखिए इरफान खान, और एक तरीके से जो भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, भारतीय एक्टर्स को, उसमें बहुत बड़ा नाम रहे। आपने कुछ फिल्मों के नाम लिए हैं, और एक तरीके से उनकी जो बड़े पर्दे पर शुरुआत हुई वो सलाम मुंबई से, जो 1988 में फिल्म बनी, जो बहुत कामयाब फिल्म रही, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस फिल्म को मिले। फिर उन्होंने हासिल, मकबूल, जिसके लिए हासिल के लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। लाइफ ऑफ पाई में भी दिखाई दिए वो इरफान खान। लाइक इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर उनकी बहुत चर्चित फिल्म रही, और एक ऐसी फिल्म रही जो छोटे बजट वाली फिल्म जिसने बड़ा धमाका किया, और उसमें उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, बेस्ट एक्टर पुरस्कार भी मिला, और पान सिंह तोमर के जो डायलॉग है वो हर जगह सुनाई देते थे। उनकी एक और फिल्म बिल्कुल जो बहुत चर्चा में रही और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी सफलता प्राप्त की उसमें, वो लंच बॉक्स रही। तो ये सारी फिल्में हैं जो उनकी हैं, और उनको याद किया जाएगा अपने अलग काम के लिए, इंटेंसिटी के लिए, ये बात है इरफान की। जी दिबांग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी 3-4 दिन पहले इनकी माताजी का भी देहांत हुआ था। जी हाँ, इनका माताजी का भी देहांत हुआ था, और इन्होंने मतलब वर्चुअली सिर्फ तस्वीरों देखकर ही माताजी को अंतिम प्रणाम किया था, तो वो एक बात भी बिल्कुल है। और गुजरात में थी उनकी माताजी और वो बॉम्बई में रहे, तो ये एक अलग हट के रोल करना, एक बेहद साधारण चेहरे वाला इंसान जिसने, जिसकी आंखें बहुत इंटेंस आंखें, और हर किरदार में एक अलग एक चीज डालना, ये उनकी बहुत जी।